how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about NPN transistor as a common base. ठीक है ना? Now, आज हम discuss करने जा रहे हैं, बड़ा छोटा सा topic है, तीन चार definitions है. Basically, gain किस तरह से, मतलब current gain कितना हुआ, voltage gain कितना हुआ, कितनी आपको वहां से power मिली. और इस बात का आपने ध्यान रखना है, चाहे PNP हो, चाहे आपका NPN हो, for common base. Formulae same रहते हैं, दोनों के लिए same होता है. सबसे पहले देखते हैं current gain. Current gain को जो है, alpha से denote किया जाता है basically. होता क्या है? Current gain आपकी ratio होती है कि कितना output upon input. और output कौन सी है? Collector current output होती है basically. आउटपुट कलेक्टर करंट होती है और इनपुट एमिटर करंट होती है आईई. तो कलेक्टर करंट और एमिटर करंट की जो रेशियो होगी उसको अल्फा करंट गेन कहा जाता है. तो अल्फा आप लिख सकते हैं आईसी अपॉन आईई. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज गेन. अब वोल्टेज गेन कितना हुआ, मतलब कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय एमिटर वोल्टेज, मतलब आप लिख सकते हैं VC by VE. और इसको वोल्टेज गेन को AB से डिनोट किया जाता है बेसिकली. अब आपको पता है V का फार्मूला आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है IR. तो बेसिकली IR हम भर सकते हैं. अब ये कलेक्टर करंट है, अब कलेक्टर वोल्टेज है, तो IC कलेक्टर करंट होगा, RC कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा. तो उसी तरह से अमीटर वोल्टेज का अमीटर करंट IE और अमीटर रेजिस्टेंस RE होगा. अब देखो ये जो IC डिवाइडेड बाय IE है, ये तो हमने अल्फा के इक्वल निकाला हुआ है, तो हम भर सकते हैं अल्फा RC डिवाइडेड बाय RE. और यही आपका फॉर्मूला बन गया आपका वोल्टेज गेन के लिए. इज इट क्लियर? ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. और साथ में जब वर्किंग आती है तो अगर पूछा जाता है कि आप करंट गेन करें वोल्टेज गेन करें तो आपको ये चीजें भी करनी पड़ती है. ठीक है ना? अगर पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो नाउ पावर गेन. देखो पावर गेन होती है करंट गेन कितना हुआ और आपका वोल्टेज गेन कितना हुआ, उनका जो प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट आता है, वही आपकी पावर गेन होती है. तो देखो करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन. करंट गेन अल्फा है, वोल्टेज गेन आपका अल्फा आर सी बाय आर ई है. तो यहां पर अल्फा इनटू अल्फा बन गया, अल्फा का होल स्क्वायर. तो पावर गेन कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर इनटू आर सी बाय आर ई. तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से. तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस का टॉपिक खत्म होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन अमीटर की बात करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस एंड अ बेस्ट ऑफ लक.